नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं पवन और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पवन ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर में। आज हम आपको बताएंगे मेंथा में प्रमुख कीट और रोग के बारे में। मेंथा एक व्यावसायिक फसल है। इसके हरे साग से जल आसवन विधि द्वारा सुगंधित तेल प्राप्त किया जाता है, जिसमें 60-70% मेंथाल पाया जाता है। इसका प्रयोग औषधि, इत्र एवं सौंदर्य प्रसाधन बनाने में किया जाता है। मेंथा की फसल विभिन्न प्रकार के रोगों एवं अनेक प्रकार के कीटों से प्रभावित होती है। यदि किसान भाई समय से अपनी फसल की सुरक्षा कर ले तो निश्चित ही अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं इस फसल के प्रमुख रोग एवं कीट तथा उनका नियंत्रण के बारे में। सबसे पहला रोग है जड़ सड़न रोग। इस रोग में पौधों की जड़ें सड़ने लगती हैं, जिससे पौधे मुरझाकर सूखने लगते हैं और प्रभावित फसल में उत्पादन काफ़ी कम हो जाता है। इसके बचाव के लिए रोपण से पूर्व जड़ों को ट्राइकोडर्मा स्पेसीज 3-4 ग्राम तथा कार्बेंडा जीम 2.0 ग्राम प्रति लीटर के घोल में डुबाकर शोधित करना चाहिए तथा छाया में सुखाने के उपरांत रोपण करना चाहिए। जो अगला रोग है रस्ट। यह रोग अधिक आर्द्रता एवं पौध सघनता के कारण ताप क्रम्स के बढ़ने से होता है। इसमें पत्तियों की ऊपरी सतह पर गहरे भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। प्रभावित पत्तियां मुरझाकर झड़ने लगती हैं। इसके नियंत्रण हेतु कापर ऑक्सीक्लोराइड 0.3% या मैंगो जेब 0.2% का छिड़काव करना चाहिए। बात करते हैं पाउडरी मिल्ड्यू की। इस रोग में पत्तियों के ऊपरी व निचली सतह पर सफ़ेद पाउडरी धब्बे दिखाई देते हैं। मौसम में अधिक नमी होने से यह रोग काफ़ी तेज़ी से फैलता है। प्रभावित फसल पत्ती विहीन हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए घुलनशील गंधक 50 WP 0.2% प्रति हेक्टेयर प्रयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं कीटों की, तो पहला नंबर आता है दीमक का। दीमक कीट से भी मेंथा की फसल प्रभावित होती है। यह कीट जमीन के अंदर ही अंदर पौधे की जड़ों को खाकर नष्ट कर देती है, जिससे फसल सूखने लगती है तथा उत्पादन काफ़ी प्रभावित होती है। कीट के नियंत्रण के लिए खेत के आसपास दीमक की कॉलोनी को नष्ट करते रहना चाहिए और क्लोरपाइरीफास 20 EC की 2.0 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई के साथ प्रयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं पत्ती लपेटने वाली फुंडी की। इस कीट की फुंडियाँ पत्तियों को लपेट कर अंदर ही अंदर हरे भाग को खा जाती हैं। फल स्वरूप पौधे में पत्तियां कम हो जाती है, जिससे उत्पादन में कमी हो जाती है। इसकी सुंडी हल्के पीले हरे रंग की होती है। इसके नियंत्रण के लिए साइपरमेथ्रिन 25 EC 2 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। अब बात करते हैं रोएदार फुंडी की। इस कीट की फुंडियाँ झुंड में फसल पर आक्रमण करती हैं। यह पौधे की कोमल टहनियों एवं पत्तियों को खाकर नष्ट कर देती हैं, जिसके फलस्वरूप फसल को नुकसान पहुंचता है। इसके नियंत्रण के लिए प्रोफेनोफास प्लस साइपरमेथ्रिन या क्लोरपाइरीफास प्लस साइपरमेथ्रिन 2 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए।